डॉक्टर साहिबा, देखा जाए तो एक समस्या होती है अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी की। तो अगर बात कर ले कि इसमें सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट भी नॉर्मल है, फिर भी कंसीव नहीं कर पाती है महिला। मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इनफर्टिलिटी क्या है, कब हम कहेंगे कि ये इनफर्टिलिटी की कैटेगरी को फुलफिल कर रहा है, या ये बंदा जो है या ये कपल जो है इनफर्टिलिटी के डेफिनेशन को बता रहा है। अगर किसी महिला की शादी होती है और एक साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो रहा है, कपल साथ में रह रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। बाय डेफिनेशन हम लोग इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर ये महिला की उम्र 30 साल से ऊपर होती है, तो इसका हम लोग इसके बारे में डिग आउट करना कि क्यों नहीं प्रेगनेंसी हो रही है, थोड़ा जल्दी शुरू करना चाहिए। अब बात आती है अनएक्सप्लेन्ड। देखिए, एक जब भी कंसीव कोई करता है तो उसमें एक मेल पार्टनर होता है, एक फीमेल पार्टनर होता है। दोनों ही पार्टनर का सही होना फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी है। फीमेल में भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ओवुलेटरी फैक्टर, ट्यूबल फैक्टर, यूटराइन फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, हम उतना अंदर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अनएक्सप्लेन्ड का मतलब है जहाँ पे ना तो हमें कोई मेल फैक्टर मिल रहा है, मतलब कि ना तो कोई पुरुष में दिक्कत मिल रही है, ना तो महिला में दिक्कत मिल रही है, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वो बच्चे के लिए तरस रहे हैं। तो अब ये है, और ये बाय बुक जो है, इस डेफिनेशन जो है, आपको मिलेगा कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केसेस नाउअडेज कॉमन हो रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है जेनेटिक, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हम अपने सामने देख पाते हैं, लेकिन जो जेनेटिक लेवल पे चेंजेज हो रहे हैं, जो हार्मोनल लेवल पे चेंजेज हो रहे हैं, उसको हम नहीं देख पाते हैं। दूसरा बहुत बड़ा चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी बहुत बार क्या होता है कि ये सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में हम लोग कपल काउंसलिंग करते हैं, कपल को ये बताते हैं कि देखिए ऐसी समस्या होती है, और इसमें हम लोग उनको 6 महीने का और अवसर देते हैं कि कम से कम आप लोग साथ में रहें और कोशिश करें। बहुत बार अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो अगर जैसा कि आपने बताया कि बिना किसी ट्रीटमेंट के भी जो ठीक हो जाती है, अगर बात कर ले कि ट्रीटमेंट चल रहा है, तो लगभग अगर इसको ठीक करना है, कंसीव करना है किसी महिला को, तो उसके लिए वो क्या कर सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग बहुत सारे जितने भी महिलाओं के फैक्टर होते हैं, पुरुषों का फैक्टर जो होता है, उसको हम लोग देखते हैं, और उसको बेसलाइन पैरामीटर जो हमारा है उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर इसके बावजूद भी कहा जाता है कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में IUI कर सकते हैं, उसके बाद अगर उससे भी कंसीव अगर नहीं कर पाता है, तो आजकल हमारे पास बहुत सारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं, तो हम लोग आगे कपल को उसके बारे में बता सकते हैं। अकॉर्डिंगली कपल अपने च्वाइस के अनुसार उस ट्रीटमेंट को टेकअप कर सकते हैं। ट्रीटमेंट अगर करा रहे हैं तो बहुत बार देखा जाता है कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एक दो बार गए, उसके बाद छोड़ देते हैं। ज़्यादातर लोगों में ये समस्या होती है, तो ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो कितने समय तक चलाने की ज़रूरत होती है? देखिए, ट्रीटमेंट पार्ट ये है कि हमारा, अभी मैंने बताया ना कि इनफर्टिलिटी जो आपके पास आता है वो ऑलरेडी बहुत दुखी होता है कि उसको कंसीव नहीं कर पा रहा है, प्लस सोशल प्रेशर होता है कि भाई शादी हुई है तो हमें बच्चे चाहिए। तो अगर किसी डॉक्टर के पास है और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें धैर्य से काम करना है। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डॉक्टर को भी अपने पेशेंट को सब कुछ बताना होगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आगे हम क्या करने चाहते हैं, और आपका स्टेप बाय स्टेप कैसे आप आगे बढ़िएगा। आप पहले टेस्ट कराएंगे, टेस्ट का रिपोर्ट देखेंगे, पहले हम लोग नॉर्मल इंडक्शन करेंगे, फिर हम लोग IUI जाएंगे, फिर IVF जाएंगे। दिस इज़ द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जब आपके पास आता है, फुल्ली आपको एक्सप्लेन करना है, फुल्ली आपको कपल को बताना है, कपल इस चीज़ को समझेगा और वो कितना सेटिस्फाइड है, वो कितना आपके साथ काम कर पा रहा है, बहुत चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं।